गुड इवनिंग दोस्तों, एनवायरनमेंट से संबंधित हमारी लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। और आज हम तीसरी लेक्चर सीरीज के अंदर हम जो रिमेनिंग स्पीशीज रह गई जो 2017 के अंदर खोजी गई और इम्पोर्टेंट हो सकती है उनकी बात करेंगे। पहले अपन फास्ट रिकैप लेंगे कि लास्ट दो लेक्चर में अपन क्या क्या देख चुके हैं, उसके बाद अपन आज के लेक्चर की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, अपन ने बता दिया था कि जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यूरोप इसको जारी करता है और इंडिया की रैंकिंग इसमें कितनी थी, 14 रैंकिंग थी इंडिया की। इसके अलावा ये भी अपन ने बता दिया था कि इसकी फर्स्ट 3 रैंक पर कोई भी कंट्री नहीं है, चौथे नंबर पर है क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। कौन है? स्वीडन है। तो ये एकमात्र ऐसा इंडेक्स है जिसके पहले 3 रैंक पर कोई देश है ही नहीं। कौन सा इंडेक्स? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। उसके अलावा फिर अपन ने बता दिया था कि भाई इसके अंदर जो सबसे बॉटम के अंदर है यूएसए की हालत थोड़ी टाइट है, 56 नंबर पर है। उसके अलावा कोरिया 58, ईरान 59 और सऊदी अरेबिया 60 सबसे बॉटम पर है, 60 नंबर पर। उसके बाद में अपने ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन के बारे में बताता है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये जारी करता है और ये क्या बताता है कि भाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताता है कितना हो गया, रादर दैन कि भाई उसका अंदर कितना परसेंट बटा, बस ये बताता है कितना इमिट हो गया। तो 403 ppm इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। इसके अलावा ये अपने बात की थी कि इंडिया वर्ल्ड का मोस्ट डिजास्टर प्रोन कंट्री है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर चाइना बांग्लादेश हैं। और अपन ने बता दिया था कि ये रिपोर्ट किसने जारी किया, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और नॉर्वे रिफ्यूजी काउंसिल ने ये रिपोर्ट जारी की थी। इसके रीजनल सेंटर के बारे में बात कर ली थी कि यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन काउंसिल का रीजनल ऑफिस एशिया में बैंकॉक में है, अफ्रीका में नैरोबी में, यूरोप में ब्रसेल्स में है, अरब स्टेट्स में कैरियो में और अमेरिका के लिए कहाँ पनामा में। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में ये अपन ने बात कर ली थी। साथ में अपन ने दो फ्रेमवर्क भी बता दी थी, होगो फ्रेमवर्क 2005 से 2015 तक और इसके अलावा सेंधाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 तक। ये सारी बातें अपन ने देख ली थी, ठीक है। इसके अलावा फिर अपन ने देखा था कि हॉटस्पॉट का क्राइटेरिया क्या है, एटलीस्ट 15 स्पीसीज होनी चाहिए और उसमें सिर्फ 70% स्पीसीज क्या होनी चाहिए, ओरिजिनल हैबिटेट में होनी चाहिए, ये बात अपन ने देखी थी। और ये भी बता दिए थे कि हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट कौन लेकर के आया था, क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड CEFA लेकर के आया था। और ये इसको फंडिंग कौन करता है, तो फंडिंग करता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF, गवर्नमेंट ऑफ जापान, मैकॉर्थ फाउंडेशन, वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा अपन ने बता दिया था कि इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटीज है और न्यू स्पीशीज मिले सबसे ज़्यादा किधर मिले, वेस्टर्न घाट पर, उसके बाद ईस्टर्न हिमालय, फिर वेस्टर्न हिमालय और फिर ईस्टर्न घाट और फिर उसके बाद में वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय और ईस्ट घाट। और इसके ये बातें अपने डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा फिर ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1 से लेकर 6 तक स्पीसीज अपन ने देख ली थी और उसमें 5 में अपन बता दिया था कि वर्मीन साथे जैसे कॉमन क्रोज वगैरह, एब्सोल्यूट बैट्स और ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली। इसके अलावा फिर अपने रोडेंड्रोन की बात की थी, रोडेंड्रोन के बारे में बताया था कि भाई ये किधर मिलता है, ईस्टर्न हिमालय के अंदर मिलता है और ये फ्लोरिंग के लिए विशेष कर ये जाना जाता है। तो ये सारी बातें अपन ने देख ली थी। अरुणाचल प्रदेश में इसको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और ये इधर उत्तराखंड का क्या है, स्टेट ट्री है, राज्य वृक्ष है और रोडेंड्रोन। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी और ट्रांसपोर्ट इंडिया के अंदर क्या रही है अपने बता दी थी, हिमालय, एंडोबर्मा, सुंदरलैंड के अंदर कौन सा मिला, इंक्लूड निकोबार ग्रुप, इंडोनेशिया, मलेशिया, वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका। कर्काटा के बारे में अपने बात की थी, कर्काटा के बारे में बता दिया था कि भाई ये क्या है, एंडेमिक स्पीसीज है, कहाँ की है, वेस्टर्न घाट की, किसकी है, वेस्टर्न घाट की। और ये किसके लिए, कर्काटा संस्कृत में कहते हैं कि इसको केकड़ा, और ये कहाँ मिला है, वेस्टर्न घाट में। इसके अलावा फिर नीलगिरी थार के बारे में बात की थी, भाई केरला के अंदर इसकी क्या चल रही है, तंगन चलूर, मेनली पेरियार, त्रिवेंद्रपुरम, मुन्नार और परमबीकुलम में ये मिलते हैं। एरवीकुलम नेशनल पार्क इसके लिए फेमस है, मन्नार खाड़ी का, इसको स्टेट एनिमल है नीलगिरी थार, कहाँ का, तमिलनाडु का। तो ये सारी बात और एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर ये है। इसके अलावा ग्रीनलैंड सार्स के बारे में बात की थी, ग्रीनलैंड सार्स के बारे में बता दिया था कि भाई ये किधर मिल रही है, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जीने वाले कौन है, वर्टिब्रेट्स है, ग्रीनलैंड सार पूरे कनाडा वगैरह में मिलती है। इसके अलावा फिर साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में बताया था, अंडमान निकोबार मिल रहे हैं। और अपने बताया था कि क्रोकोडाइल की 3 स्पीसीज इंडिया के अंदर मिलती है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मगर क्रोकोडाइल और घरियाल क्रोकोडाइल। इसके अलावा इसमें अपने बताया था कि भाई इनका जो नेस्टिंग बनाने की प्रक्रिया वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में फिर अपने तपंजलि ओरंग टाउन के बारे में बता दिया था कि भाई थ्रेटेंड ऐप है और कहाँ मिलता है, सुमात्रा के अंदर मिलता है, सुमात्रा के अंदर। और कौन कौन से ऐप मिलते हैं, जैसे ओरंग टाउन है, ईस्टर्न गोरिल्ला है, चिंपैंजी एंड बॉम्बोज। तो ये इसके बारे में अपने सारे देख ली भाई, तपन ओरंग टाउन आ जाए तो कौन कौन से हैं।
ड्रैगन फ्लाई के बारे में अपन ने बात कर ली थी कि भाई वो ये किधर मिल रही, केरला की हिल्स के अंदर ये मिलती है। उसके अलावा ओडेंटो की बात कर ली, ओडेंटो के अंदर किसको रखते थे, कार्निवोरस इंसेक्ट को इसके अंदर रखते हैं ओडेंटो के अंदर। और फिर इसके बाद हम अपने जिलो दिव्या कोनिकोनोरम की बात की जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन ने बता दिया था कि इसकी स्पीशीज जिलो दिव्या कोनिकोनोरम पहली बात तो कहाँ पर खोजा गया, नागालैंड के अंदर ये खोजा गया है, ठीक है। किसके आधार पर इसका नाम लेगा, कोन्याक जाति पाई जाती है, जनजाति नागालैंड, किसके आधार पर इसका नाम दिया। इसके अलावा और कौन कौन सी तीन और इसकी जाति पाई जाती है, जिलो दिव्या बैनर रीजना कहाँ पर हमारे मणिपुर में, जिनर म्यूपिनीज कहाँ पर चाइना मिलता है, और रूबोरम उत्तराखंड और चाइना। तो म्यूपिनीज चाइना में और बैनर रीजना कहाँ पर हमारे मणिपुर में, और जिलो दिव्या कहाँ मिलता है, जिलो दिव्या मिल रहा है कहाँ पर, नागालैंड में। तो नागालैंड मणिपुर और उत्तराखंड अपने को ध्यान में रखना है। अब अपन बात करेंगे किसकी, आज से आज बात करेंगे अपन क्लाउडेड लेपर्ड की। किसकी, क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड पहली बात तो क्या है कि वो तो यार कर रही है, तो क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में अपने को दो तीन बातें पता होनी चाहिए कि पहली बात तो ये क्या है, वाइल्ड कैट है, जंगली बिल्ली, ठीक है। और इसका जो वंश है वो क्या है, नियोफेलिस, क्या नियोफेलिस इसका वंश है, थोड़ा ये अपने पता चलता है, नियोफेलिस दबेदार तेंदुआ, नियोफेलिस, नियोफेलिस वंश है। कहाँ का ये स्टेट एनिमल है, मेघालय का स्टेट एनिमल है, दूसरी बात अपने को। तीसरी बात इसकी क्या है कि IUCN के जो रेड डाटा बुक अपन ने बताया तो उसकी कौन सी कैटेगरी में, वनरेबल कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में वनरेबल, कौन, क्लाउडेड लेपर्ड। और ये क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पर है, त्रिपुरा। तो तीन बातें याद रखनी है, वनरेबल कैटेगरी में, ठीक है, नियोफेलिस इसका वंश है, यानी कि वंश से संबंधित बातें जैसे ऐसे है कि भाई किसी भी जीव का यदि जैव वैज्ञानिक नाम अपन देते हैं तो पहले बात तो उसका दर्शाता क्या है, उसके वंश को, और दूसरा जो नाम होता है उसका ज़्यादातर दर्शाता है जाति को, ठीक है। जैसे कि रेटस रेटस, क्या रेटस रेटस, तो ये किसका है, चूहे का नाम है रेटस, ये किसको दर्शा रहा है, उसके वंश को, और ये उसके जो अंतिम वर्ड है उसके किसको दर्शा रहा है, जाति को। तो इसी तरह से क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में ध्यान रखना है कि भाई एक स्टेट एनिमल है मेघालय को, और ये क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क या सिपा सिपिहिजोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, त्रिपुरा में। अगला जो है वो बोनेट मकाओ, कौन सा मकाओ, बोनेट मकाओ। बोनेट मकाओ एक ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, ठीक है, डायर्नल है, और ये कहाँ का एंडेमिक है, यानी कि हमारे साउथर्न इंडिया के अंदर ही पाया जाता है, और ये ह्यूमन से सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, कौन, बोनेट मकाओ, ठीक है, बोनेट मकाओ। और ये कॉमन सिलिजम को मेंटेन करके चलता है, कॉमन सिलिजम को मेंटेन करके चलता है, दो चीज ध्यान रखो, बोनेट मकाओ पहुँचे तो साउथ इंडिया में, रिसेस मकाओ पहुँचे तो नॉर्थ इंडिया में। If ask bonnet macaw, then it is in find in South India, and if ask is rhesus macaw, then it is find in North India, पहली थी। सेकेंड थी कॉमन सिलिजम क्या होता है कि जो इंट्रैक्शन होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से इंट्रैक्शन, फर्स्ट इंट्रैक्शन इज द सिम्बायोसिस, जिसमें कि दोनों रिश्ते क्या होते हैं, सिम्बायोसिस, जिसके अंदर दोनों रिलेशनशिप क्या होते हैं, ऐसे रिलेशनशिप की रहेंगे तो जिएंगे तो साथ जिएंगे और मरेंगे तो साथ में, ऐसा रिलेशनशिप ह्यूमन बींग के अंदर कभी भी पॉसिबल नहीं होता। ह्यूमन बींग के अंदर ऑब्वियसली बात है, रिलेशनशिप में यदि थोड़ी सी भी अप डाउन या फिर कोई सा वैसा इश्यू आया तो उसमें कि तू तेरे और मैं मेरे वाला खेल होता है, ठीक है। कॉमन सिलिज्म के अंदर क्या होता है कि एक को लाभ होता है और दूसरे को कोई न तो लाभ होता है और न हानि, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन सिलिज्म, क्या बोलते हैं, कॉमन सिलिज्म। और एक होता है प्रोटोकॉर्पोरेट, यानी कि दोनों को लाभ, मेरे को लाभ और तेरे को लाभ। ह्यूमन बींग के अंदर ज़्यादातर रिश्ते कैसे होते हैं, प्रोटोकॉर्पोरेशन। तो ये ध्यान रखना है कि सिम्बायोसिस यानी कि दोनों को लाभ, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं रह सकते, प्रोटोकॉर्पोरेशन दोनों को लाभ लेकिन दोनों अलग अलग भी रह सकते हैं, और कॉमन सिलिज्म एक को लाभ और एक को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कॉमन सिलिज्म पाया जाता है किसका, बोनेट मकाओ का, मानव के साथ। अगली जो बात है वो क्या, ओटमन लीफ, क्या ओटमन लीफ, ओटमन लीफ ये कोई पादप नहीं, क्या बटरफ्लाई, क्या बटरफ्लाई कहाँ पर मिलती है, कर्नाटक और केरला के अंदर ये मिलती है, कहाँ पर मिलती है, केरला, और यहाँ पर अब ये कहाँ मिली है, तमिलनाडु के अंदर भी मिली। तो अपने ये बात पता होना चाहिए कि ओटमन लीफ ये क्या है, बटरफ्लाई है, ना कि कोई पादप है, ठीक है। इसके अलावा ये पालघाट में पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर भी मिलती है, पेरियार टाइगर रिजर्व और पालघाट जो बटरफ्लाई का हॉट स्पॉट कहलाता है। तो ये तो अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को ध्यान में रखना है कि ग्रिजल्ड स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो GSWS ये जो तमिलनाडु में, वहाँ पर ये पहली बार देखी गई है। अगला जो क्या, रेड सेंटर, लाल चंदन, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि रामदेव जी भी इसके अंदर ट्रैप हुए। लाल चंदन के बारे में क्या है,
पेट्रोकार्प सेंटेलिस, क्या सेंटेलम, सेंटेलम तो पेट्रोकार्पस सेंटेलिस ये इसका क्या है जो वैज्ञानिक नाम है पेट्रोकार्पस सेंटेलिस, बोलो पेट्रोकार्पस सेंटेलिस, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या है, रेड सैंडलवुड, क्या रेड सैंडलवुड या रेड सैंडर, या इसको सौंदर वुड्स भी कहते हैं। कहाँ पर ये मिलता है, हमारे दक्षिणी जो पूर्वी घाट है वहाँ पर ये मिलता है। कौन सी कैटेगरी के अंदर है ये, IUCN की एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, एंडेंजर्ड और ओवर एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा इसकी कटाई हो रही है। कौन सी जो CIT लिस्ट है उसके अंदर ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, रेड कलर के इसके लिए रिच होती है और इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ, चाइना के अंदर। तो ये एरोमेटिक नहीं है, नोट एरोमेटिक। सेंटेलम सैंडलवुड ट्री अलग है, रेड सैंडर अलग है, ठीक है। एरोमेटिक सेंटेलम सैंडलवुड कहाँ मिलता है, साउथ इंडिया के अंदर ग्रो होता है, दैट इज डिफरेंट, एंड रेड सैंडर इज डिफरेंट। तो अपने ध्यान में रखना रेड कलर का, और सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ पर है, चाइना के अंदर है। कहाँ मिलता है, साउथ ईस्टर्न घाट के अंदर ये ज़्यादातर मिलता है, एंडेमिक है, वहीं पर पैदा होता है। अगला जो है वो क्या है, नील कुरंजी स्ट्रोबाइलेंथस कंथेनिया, स्ट्रोबाइलेंथस याद रखो बस, कंथेनिया रहे नहीं, स्ट्रोबाइलेंथस क्या है, सरब है, क्या है सरब, यानी कि झाड़ी से थोड़ी बड़ी होती है सरब। कहाँ मिलता है, सोला फॉरेस्ट के अंदर मिलता है, साउथ के अंदर। स्ट्रोबाइलेंथस इसका क्या है, वंश है। 12 साल में एक बार क्या करता है, फ्लोरिंग करता है, उसको बोलते हैं ब्लूमिंग, क्या बोलते हैं ब्लूमिंग, ठीक है। तो ये अपने ध्यान में रखो भाई, कितने साल में फ्लोरिंग करता है, 12 साल में, कौन, नील कुरंजी, ये अपने को इसके अंदर ध्यान में रखना। इसके अलावा घड़ियाल एक्सचेंज प्रोग्राम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। घड़ियाल एक्सचेंज प्रोग्राम किस हिसाब से चल रहा है, बांग्लादेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में चल रहा है घड़ियाल एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की नेटिव, और इसका एक्सचेंज कहाँ किया जाएगा, बांग्लादेश का। तो थोड़ा मॉनिटर लिजार्ड की चार जाती हैं, कौन कौन सी, आगरा, येल्लो, वाटर और लार्ज बंगाल। तो ये कहते हैं कि भाई ये किसकी हैं, तो मॉनिटर लिजार्ड की, यानी कि छिपकली की, मॉनिटर छिपकली की जाती है, आगरा, येल्लो, वाटर। कौन सी सूची मारी है, फर्स्ट सूची के अंदर, ठीक है। अपने को ये ध्यान में रखना है कि पहली सूची के अंदर और कौन कौन टाइगर आता है, जैसे एक लिसनर ने पूछा होता है टाइगर के, उसमें फर्स्ट शेड्यूल के अंदर रखते हैं। आपको बताना है कि ऐसे प्लांट्स को कौन सी शेड्यूल के अंदर रखते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, जिसकी खेती नहीं की जा सकती, उसको कौन सी लिस्ट के अंदर रखा गया, या कौन सी शेड्यूल के अंदर रखा, जो 6 आपने बताई थी लेक्चर शुरुआत में। फर्स्ट के अंदर टाइगर भी आता है, राइनोसेरोस भी आता है, एलिफेंट्स भी है, लियोपर्ड भी है, ठीक है। तो ये सारे के इसमें फर्स्ट में 3 से 7 साल का जेल हो सकता है। CITES का मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज, CITES का मतलब, ठीक है। अब इसका खास बात क्या है कि जो इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, नर जनन तंत्र, उसको बोलते हैं हाथा जोड़ी, क्या बोलते हैं, हाथा जोड़ी। और इसको ये माना जाता है कि इसके अंदर मैजिकल पावर होती है, जादुई शक्ति होती है प्रोस्पर्टी के लिए। तो इसलिए क्या है, इसके क्या किया जाता है, प्रोस्पर्टी की जादुई शक्ति होती है हाथा जोड़ी के अंदर, इसलिए लोग क्या करते हैं, इसकी हंटिंग करते हैं मॉनिटर लिजार्ड की, ठीक है। अगला जो क्या है, अस्की आयसिका बातारचस भूपति, कौन सी भूपति, आयसिका बातारचस, कौन सी, आयसिका बातारचस भूपति याद रखना। भूपति आ जाए तो इसका मतलब नहीं है महेश भूपति, भूपति का मतलब मेंढक, ठीक है। और इसका मेंढक का जो स्नोट है, नथुन है, वो कैसा है, पिग के लाए, सुअर के जैसा है। कहाँ पर खोजा गया, हैदराबाद के अंदर ये खोजा गया, और उसी के अंदर GGS के अंदर ये GGS गिरजल गैंड स्कल वाइल्ड लाइफ, जिसके अंदर वो ऑटोमन लीफ आई गई थी ना, वो, ठीक है। पर्पल फ्रॉग से इसका कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। और पर्पल फ्रॉग कहाँ मिलता है, CHL में, CHL एक कंट्री है, वहाँ पर मिलता है पर्पल फ्रॉग। तो उसके समान ही माना जा रहा है किसको, अस्तिका बैतारस भूपति। अब इसका क्या है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को ये प्रमोट कर रहा है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या, कि भाई पहले महाद्वीप सभी एक जगह से जुड़े थे, जिसको क्या बोलता है पेंजिया, अब ये फिर क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो एक तो पर्पल फ्रॉग CHL में मिल रहा है, और एक ये इधर इंडिया के अंदर हैदराबाद मिला है। तो इसलिए किसको दर्शा रहा है, कॉन्टिनेंट की, भाई पहले ये सब एक जगह जुड़े हुए थे, लेकिन अब सब क्या हो गए, अलग अलग।
तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि भाई अस्त के बाद तरस भूखते आ जाए तो इसका मतलब ये क्या है, फ्रॉग की स्पीशीज है, ठीक है। अगला जो अगला क्या, वाइट टाइगर। वाइट टाइगर पहली बात तो क्या है कि नीलगिरी एंड वेस्टर्न घाट के अंदर पहली बार देखा गया, नीलगिरी के अंदर वाइट टाइगर को, ठीक है। और जनरली ये इंडियन उपमहाद्वीप के अंदर ही पाए जाते हैं, बहुत ही लार्ज हैं, ठीक है। अब इसका रीजन क्या माना जाता है कि भाई रिसेसिव जीन होता है टाइगर का, जो कलर होता है वो जनरली कैसा होता है, रेड या येलो होता है, रेड येलो होता है, लाल पीला, लेकिन इसका तो वाइट होता है। और वाइट जो जीन होता है वो रिसेसिव होता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक्टिव। अब इसका जीन ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर माना जाता है कि इसके अंदर उत्परिवर्तन हो गया, म्यूटेशन, इसलिए ऐसा माना जाता है कि वाइट टाइगर के अंदर म्यूटेशन के कारण ऐसा हुआ है, ठीक है। उत्परिवर्तन के कारण वाइट टाइगर, जो टाइगर का कलर कैसा होगा, रेड येलो कैसा होगा, वाइट टाइगर। किसकी कमी होती है, फियोमेलेनिन, कौन सा मेलेनिन, फियोमेलेनिन, किसके अंदर, वाइट टाइगर के अंदर। और सेकंड लार्जेस्ट टाइगर है कौन से, सबसे लंबा कौन सा, बड़ा साइबेरियन, और उसके बाद दूसरे नंबर का वाइट टाइगर। कहाँ मिलता है ये, हमारे रेवा में, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहले। और वाइट टाइगर सफारी भी कहाँ शुरू होगी, रेवा के अंदर ही, ये मध्य प्रदेश के अंदर मुकुंदपुर जो जू है वहाँ पर इसकी शुरू होगी। कौन सी कैटेगरी में आ रहा, रेड डाटा बुक की रेड, तो अपने ध्यान में कौन से मिनिमल के कारण इसके अंदर होता है, किसकी कमी होती है, फियोमेलेनिन की कमी होती है, उत्परिवर्तन के कारण इसका कलर वाइट हो गया। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा टाइगर है, पहला कौन सा, साइबेरियन, इंडिया के अंदर कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश के रेवा में। सफारी कहाँ शुरू की गई है, मुकुंदपुर जू के अंदर शुरू की गई है। और जो लास्ट है वो क्या, नॉर्थन रिवर टर्पिन, तारपिन, टर्टल की ये स्पीसीज है, किसकी है, टर्टल की, फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर के अंदर मिलता है। कैसा, क्रिटिकल एंजाइंड है, यानी कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है इसकी, विलुप्त होने के कारण पर। नॉर्थन रिवर टर्पाइन, टर्पाइन आ जाए तो इसका मतलब ये टर्टल है, भूपति आ जाए तो मतलब फ्रॉग है, ठीक है। कहाँ मिलता है, बांग्लादेश के अंदर मिलता है, सुंदरबन के, इंडिया के अंदर भी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के अंदर, इसके अलावा इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया के अंदर भी ये मिलता है। कैसा है, ओमनिवोरस, मतलब सब कुछ खाता है, कौन, नॉर्थ रिवर टर्पाइन या टर्टल, कछुआ, ठीक है। ब्रैकिश वाटर में कब चला जाता है, ब्रीडिंग सेशन इसका क्या, दिसंबर से मार्च, और फिर वापस आ जाते हैं। इसके लिए क्या है, कैप्टिव कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया गया, कहाँ, सुंदरबन के अंदर। तो दैट इज द अबाउट स्पीसीज। तो हमने अभी तक देख लिया स्पीसीज के बारे में देख लिया, अब थोड़े से इकोनॉमी की अगले लेक्चर सीरीज के अंदर बात करेंगे कि डिफरेंट स्पीसीज के बारे में, और जो रिलेशंस होते हैं इकोलॉजी में कि प्रोटोकॉर्पोरेशन, एमनसिलिज्म, ये क्या होता है, उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा जो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी की लेक्चर सीरीज है उसको भी कंटिन्यू करेंगे। आप सब लोग अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें, हालांकि लिटिल बिट लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन जहाँ पर भी हैं आप, कनेक्टिविटी ज़रूर बनाए रखें। आवर वेल विशेज ऑल ऑफ यू, बट होप्स हो कि आप सब हमसे जुड़े रहेंगे, और वी विल ट्राई टू डू मच बेटर। थैंक यू सो मच।